पटना गया डोभी सड़क को अब 4 लेन से 6 लेन में बनाया जा रहा है। बता दें कि पहले इस मुख्य सड़क को 4 लेन की चौड़ाई में बनने जा रही थी, लेकिन अब इसमें परिवर्तन करते हुए सड़क को 7 मीटर चौड़ाई में लेन का निर्माण किया जाएगा। 15 किलोमीटर लंबाई के इस लेन को फिलहाल गया जिले के 2 मुहान से डोभी तक बनाई गई है। वहीं इस 6 लेन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस सड़क को बढ़ाकर पटना और जहानाबाद की सीमा तक लाया जा सकता है। हालांकि पटना में अतिरिक्त जमीन नहीं होने के कारण और जमीन अधिग्रहण की समस्या से बचने के लिए इस 6 लेन की सड़क का निर्माण नहीं हो सकेगा। बता दें कि इस 6 लेन सड़क का निर्माण पटना गया डोभी में 127 किलोमीटर लंबाई में तैयार किया जा रहा है। इस सड़क को बनाने में कुल 1610.47 करोड़ रुपए की लागत खर्च की जा रही है। इसे तैयार करने की समय सीमा दिसंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। वहीं इसका निर्माण कार्य नवंबर दिसंबर 2020 में शुरू किया गया था। इस सड़क के निर्माण से पहले करीब 5 साल तक इस सड़क को लेकर निर्माण कार्य बाधित हो गया था, जिसके बाद इसे लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया और इसके बाद ही निर्माण कार्य में तेजी आई। फिलहाल इस सड़क से जुड़े बाईपास का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस बाईपास के निर्माण के तहत गया, बेलागंज, जहानाबाद, मसौरी और मखदूमपुर का निर्माण शामिल है। पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का निर्माण पटना जिले के एक हिस्से में नदपुरा से सरिस्ताबाद करीब 208 किलोमीटर लंबाई में निर्माण होना है। इसके लिए अब जल्द ही टेंडर की सहायता से एजेंसी का चयन किया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस सड़क का निर्माण दिसंबर 2022 तक शुरू किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।